मेरा आदित्य आदित्य मीटर उखाड़ के लेकर तभी तो मीटर लगे आप लोगों के नाम से। नहीं वो तो ठीक है चलो उखाड़ के, लेकिन वो ये पहले बोल के गया है कि फेल पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ बिल पेमेंट नहीं हुआ ना, हो चुका है। ऐसा है देखिए, मैं आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। जो जो पेमेंट कर देगा उसका कल मीटर लग जाएगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं लगेगा, साफ बात बता रहा हूँ। अरे क्योंकि हमने पेमेंट कैसे करना है, एक हाँ जी। मैं अनिल कुमार, आपके पास कोई ऑर्डर है कि ये पेमेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ है और लिख के गया है? आप मुझे बताइए कितने लिख के दे के गए हिसाब पूरा? नहीं लिख के कहाँ लिख के गए, कागज पे लिख के दे गए? किसने दिया ये हिसाब, किसने लिखा है? आप हैं कौन? आप बिल्डर हैं? हाँ बिल्डर है। तो आपके कुछ स्टैम्प का सिग्नेचर है उस पर? हाँ, कोई कुछ नहीं है उसके ऊपर, कोई सिग्नेचर नहीं है आपके, कोई लेटर हेड नहीं। आप मुझे लेटर हेड पे दीजिए, लेटर हेड पे देने का कुछ नहीं है। क्यों नहीं देंगे आप? कॉपी बटा है, ऐसे नहीं होता। आप एक काम करिए, एक काम करिए, आप हमें मंथ वाइज बिल दीजिए। जो तरीका है वो तरीका, आप मुझे तरीका मत बताइए, मैं आपको तरीका बता दूंगा। आपको मंथ वाइज बिल दीजिए, हम कैलकुलेट करेंगे अपने आप आपकी कैलकुलेशन। आप मुझे पहले लेटर हेड पे दीजिए, पूरा बोल लीजिए फिर मैं। हाँ मैं पूरा ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप पहले लेटर हेड पे दीजिए जो आपने लिख के दिया, और आपसे सिग्नेचर और स्टैंप भी होनी चाहिए। आप हमको दीजिए पहले, बोलते जाइए। नहीं जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, बस इसका फोटोकॉपी देखिए बस, ये मेरे पास पड़ा है। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? नहीं नहीं व्हाट इज दिस? मेरा नाम नसीर है। मैंने ये तो वो हो गया नेकी कर और जूते खा, अरे समझिए ये कमर्शियल लेकिन करके जूते खा रहे हैं। क्या हो गया, ये जो मीटर लगा हुआ है जिस तरह आप मीटर में देखो रीडिंग मिल गया, मीटर यूज में लगा है, तो इसका बिल आ गया 1,33,000 रुपया। कब तक है ये? मिस्टर अनिल आपसे मैं एक बात पूछ रही हूँ। पहली बात तो आपको क्या BSES ने अथोराइज किया कि आप ये मीटर रीडिंग नोट करें? ये तो अगर आप करते हैं BSES वाला मीटर रीडर्स, सॉरी मीटर रीडर, आपने हर महीने की मीटर रीडिंग नोट की है, आप प्लीज हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, मैं समझ रही हूं आपकी बात, व्हाट आई वांट टू से, जस्ट लिसन। आप बोलिए why do you have opened the handover with the submitter? Why आपने submitter क्यों लगवाया क्या handover? आप एक बात कर रहे हैं तो handover पे तो lift भी operational होनी चाहिए। तो बात सुनिए। We can talk. No, if you say that you are the builder, you have not fulfilled your condition. The lift should have been operational. Lift has not handover of lift has not been functional. आप बोलते हैं हमारा meter लग गया तब handover लेंगे। हमने तो आपको एक बार ये किया कि चलो आप आ जाओ handover ले लो, हम आपको जो आप हमें राइटिंग में लिख के दे दीजिए, आप हमको लेटर हेड पे राइटिंग में लिख के दे दीजिए ये कि आपने हैंडओवर क्यों लिया। हम तो ये मीटर लगा के देंगे, लिफ्ट फंक्शनल नहीं है, आप लिख के दीजिए सारी बातें, तो हम भी करेंगे ना बात। नहीं आप जिस टोन में बात करें हम भी वैसे ही करेंगे। मैं टोन में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल रहे ना लिसन टू मी, मैं अनलिस्टिंग टू यू, ये मनी फॉर वर्क के लिए आई एम लिसनिंग टू यू, और आप ये दिस इज नॉट ऑथराइज्ड लेटर। आप कैलकुलेशन भी ऑथराइज कर, आप मुझे दीजिए। कैलकुलेशन गलत है आपकी, कैलकुलेशन गलत है आपकी, आप क्या समझा रहे हैं? नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ऑथराइज करके दीजिए, आपने सारा जोड़ के अच्छा चार। दूसरी बात मंथवाइज दीजिए, मंथवाइज बिल दीजिए, हमको दीजिए रीडिंग। 456 मिनट्स आपने लगाए हैं, इसमें आपके लिफ्ट के काम करने वाले भी अपने एप्लीकेशन हमारा वो नहीं होगा, वो हम नहीं पे नहीं करेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं हमको, वो ना आपको मीटर ले जाएगा, कैसे लेके जाएगा हम देखेंगे ना, मीटर कैसे लेके जाएगा वो तो हम देखेंगे, जितना तो हम देखेंगे ना, मीटर उतना देंगे। फिर बैचबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, कमर्शियल मीटर लगा आपने सब बना के आपके मिसल तो सही दिया हूँ कि भैया ये सब पेमेंट तो आपने इतना बोला था कि उसके पे करने पड़ेंगे, और अगर मेरे पे पे करने तो मैं मंथ टू मंथ करूंगा ना, मंथ टू मंथ करेंगे ना आप, इकट्ठा तीन महीने इकट्ठा कैसे करेंगे? आपके नाम से मीटर लगेगा, जो जो पेमेंट करते हैं उसका मीटर लगता जाएगा। तो भैया जो मीटर पेमेंट जो बने वो बनेगी ना, और आपका मंथ मत आएगा, आप गलत गलत पेमेंट लगा रहे हैं, गलत है कैलकुलेशन, ये गलत है आपकी, आप गलत अच्छा ले रहे हैं, वो देंगे आप अच्छा ले रहे हैं हमसे। बस राज जी बताइए, एक लेडी का 15 यूनिट आया है, उसका आपने 5,000-3,000 का बिल कैसे बना दिया? कैलकुलेशन गलत है, देखो जरा इसमें कैलकुलेशन गलत है, 6,000 की कैलकुलेशन गलत है। यहां का जो काम हुआ है, एक सेकंड, अगर मैं यहां का जो सारा काम हुआ है तो मैं 3 महीने का दूंगा ना, जब डिफॉल्टर नहीं तो 3 महीने का देंगे। दूसरी बात BSES, एक मिनट मिस्टर अनिल BSES के बिल में कैलकुलेशन का पैटर्न है, आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट, आप छोड़िए, ये तो ऑथराइज्ड भी नहीं है, जो सिखा रहे हैं।
ये ऑथोराइज नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। ऑथोराइज नहीं है ये सब कैलकुलेशन हिसाब से किया हुआ है। कौन सी गलत है? गलत है ये, गलत है। पहले 200 मिनट तक 4 रुपए, उसके बाद 6 रुपए, उसके बाद बनता ही है। आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपको मैंने जो अपना उस स्लैब के हिसाब से रेट लगाया है, फिर मैंने जो है जिसका स्लैब है उसके पीछे को ना मीटर के बराबर क्यों नहीं है आपकी ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग का पैसा मतलब ड्रिलिंग के बिजली भी रेजिडेंट का खर्च जा रही है, हम क्यों देंगे? मीटर की जिम्मेदारी है। लिफ्ट की ड्रिलिंग हो रही थी, लिफ्ट की क्या काम? हमने पेमेंट किया अलोंग विद द लिफ्ट, आपके लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार बिल्डर है या कोई और? आप क्या समझाएंगे? हाँ बस बिल्कुल सही, आपको समझ में नहीं आएगी ये बातें, क्योंकि पेमेंट करना पड़ रहा है ना। फोन तो नहीं आता, फोन यहाँ से, यहाँ से ही पूछता है बस। और इस पूरे कागज को लेटर हेड से दीजिए ना, साइन करना कुछ और है। धमकाने वाली बात है फालतू की। हाँ डोमिनेट कर रखा हूँ। नहीं नहीं चलने दे, कोई बात नहीं, बिल्डर है तो फिर हमको ये देख, हमारे एग्रीमेंट में है कि जब हम उसको मकान जब शिफ्ट करेंगे हमको ये लिफ्ट ऑपरेशनल मिलेगी, ये फैसिलिटी मिले, उसका पैसा दे चुके हैं हम, 1,00,000 इसका पैसा लगा है लिफ्ट का, ये हम नहीं देते। हम लोग समझ नहीं रहे, ये लोग बदमाश, वो जानते और उसी ने, और उसी ने इसको भेजा धमकाने के लिए कि कल आपके पेमेंट नहीं हुआ। हट मजा ले, कोई हाथ लगा ले, बीएससी इसको भेजने की बात नहीं। मैं तो बोल दे कि आप इनको या तो करो शो कॉज करो इनका, नहीं तो मैं इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने इनको बोल दिया, मैंने मैं इन तीनों के खिलाफ कर सकता हूँ। मिस्टर अनिल ये आके जो प्रश्न, वो दोनों जो कर्मचारी हैं, ये दो कर्मचारी, मैं ये जो बैठा है ना ऊपर, वो बैठा है टेम्परेरी, यहाँ से पैसे मांग के गए वो, यहाँ आके धमका रहा है। आपका बिल पेमेंट नहीं हुआ है, कनेक्शन हट रहा है, जबकि 9 अक्टूबर है आखिरी डेट, आज 5 अक्टूबर है। यदि मान लो यदि वार्निंग भी आती है तो 9 अक्टूबर के बाद वार्निंग इशू होती है, और उसमें भी लेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, लेट पेमेंट करो उसके बाद में कनेक्शन कटने की बात है, पेमेंट हो नहीं सकता, ये नए रूल से क्या नहीं, तो वही तरीका, अगर ये नहीं मानता तो संडे को जाके उनके जो ग्राहकों के सामने इसकी करो, अगर ये ऐसा कर रहा है फजीयत करते हैं इसकी, अपने बिल्डर समझता क्या है? मैं बिल्डर हूँ, मैं बिल्डर हूँ, हाँ ये बिल्डर है, हाँ ये कह रहा है मैं बिल्डर हूँ, हाँ ये कह रहा है, ठीक है बिल्डर है तो ये अपना का सिग्नेचर का, हाँ ये तो फर्जी है, हैंड रिटन तो कोई भी लिख सकता है, गूगल गलत किया हुआ कैलकुलेशन सारी बना के तो भेज दे हमको, इतना धमकी दे रहा और क्या, ये भी ताला लगा के जब ये बुलाया तो बिल्कुल, अंदर से बंद है, कुंडी बंद है अंदर से, ठीक है।